लास्ट टाइम भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, और इस मरतबा भी सिल्वर मेडल जीता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। पूरे इंडिया में इस वक्त धूम मच रही है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 19 साल का इंतजार खत्म करवा दिया। मैं उनकी इस कामयाबी पर उनको मुबारकबाद तो जरूर दूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े इवेंट में अच्छी कारकर्दगी किया, मगर जो पाकिस्तान के एथलीट हैं मोहम्मद अशरफ साहब इतने बड़े इवेंट में फिफ्थ पोजीशन लिया, मैं समझता हूँ कि ये उनकी नंबर वन पोजीशन है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में ओलंपिक के गोल्डन बॉय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है, और पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं कि नीरज चोपड़ा जैसा प्लेयर हमारे पास क्यों नहीं है, और नीरज चोपड़ा को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। पूरे इंडिया में इस वक्त धूम मच रही है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 19 साल का इंतजार खत्म करवा दिया। अगर आज के फाइनल की बात करें तो आज का फाइनल जिसको कह सकते हैं हर किसी को पता था कि एंडरसन पीटर फ्रॉम ग्रेनेडियन जिसको कह सकते हैं फेवरेट थे, उनको देख के भी लग जाता है पता कि इनसे मुकाबला क्या करें, क्योंकि माशाल्लाह से जो देखा जाए तो उनका जिसको कह सकते हैं वजूद इतना हैवी है कि वो ऐसी थ्रो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, और उन्होंने 90.54 मीटर की थ्रो करके फर्स्ट पोजीशन अपने नाम की, डिफेंडिंग चैंपियन थे दोबारा से चैंपियन बन गए। इसके बाद बात करें ब्रॉन्ज मेडल की तो वो जिसको कह सकते हैं जैकब सीजक रिपब्लिका की तरफ से उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और पांचवें नंबर पे आए हैं अरशद नदीम, तो अरशद नदीम की भी अच्छी परफॉर्मेंस ही नो डाउट हमें पूरी उम्मीद है कि आईएसएसएन पे वर्किंग होगी, तो ये भी आगे जाके जैसे कह सकते पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान का जो इंतजार है मेडल का वो खत्म करवाएंगे। लेकिन बात करेंगे भाई नीरज चोपड़ा की, कहां से आया ये लड़का, कहां था? अगर बात करें तो पिछली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर नीरज चोपड़ा नहीं थे, इनकी एल्बो की इंजरी थी और ये इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर ये ओलंपिक्स में वापस आए थे, ओलंपिक्स में इन्होंने जिसको कह सकते हैं रिकॉर्ड बना दिया था, गोल्ड मेडल इंडिया को जितवा दिया था। उसके बाद जब आज गेम खेलने आए तो इन्होंने लगातार 3 फाउल कर दिए, लेकिन जो इनकी चौथी थ्रो थी वो ऐसी थ्रो थी कि उनको उसकी बेस के ऊपर ये सिल्वर मेडल अपने नाम कर गया। अगर हम बात करें सिल्वर और ब्रॉन्ज के बीच में सिर्फ और सिर्फ 0.4 मीटर का फासला था, 88.13 की नीरज चोपड़ा की थ्रो थी और 88.09 की जैकब की थ्रो थी, लेकिन फिर भी जिसको कह सकते हैं थ्रो उनकी ज्यादा थी और उन्होंने जीत लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा, बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, खुशी हुई कि किसी एशियन ने भी जिसको कह सकते हैं मेडल को अपने नाम किया। हमें पूरी उम्मीद है कि अरशद नदीम भी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और मेडल अपने नाम करेंगे। टाइम भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, और इस मरतबा भी सिल्वर मेडल जीता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, और बहुत ही अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी हमारे पास बहुत से टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन हैं, बट उन्हें मीडिया पे नहीं लाया जाता, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता, और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीछे। इंडिया की कामयाबी पर क्या कहेंगे, उन्हें मुबारकबाद देना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, वो इसके मुस्तहिक हैं। लास्ट टाइम भी नीरज चोपड़ा बड़ा अच्छा खेला था, तो वो उसकी रीज़न ये है कि वो पीछे नेशनल चैम्पियन भी था और उसका एक भाई भी है, वो भी कुछ चैम्पियन था, शायद नेशनल था, तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उसको बाकी जो क्रिकेटर्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको, इस वजह से वो आगे आ रहा है ना ज़्यादा। तो पाकिस्तानी यूथ में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, अगर इनको थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना कि बाकी जितने भी कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, पाकिस्तान में जो स्पिरिट है, जुनून है यूथ में, वो किसी और में नहीं है। सिर्फ इनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनको जो है ना गवर्नमेंट फेवर करे, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं।